हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, हम लोग अभी 12:15 बज रहे हैं और लेट हो गया है ना, मेरी वजह से ही। हमेशा मेरी वजह से लेट होता है। इन्होंने ना मुझे बोल के रखा था सुबह ही, क्योंकि ये सुबह ड्यूटी से आया और उसके बाद इन्होंने बोल के रखा था कि मैं जब ड्यूटी से आऊंगा तब आप रेडी होके रहना, तो मेरा तो होता ही नहीं है। आप लोगों को पता है मैं बहुत ज्यादा लेट होती हूँ, और यार काम भी रहता है ना घर का, ऐसा नहीं है कि कुछ, तो इसी वजह से मेरा बहुत लेट हो गया। और अभी 12:15 बज गए हैं और हमें जाना है, मतलब फाइनली अभी बता ही देती हूँ आपको। नहीं, हमें जाना है एक्चुअली, ऊपर का रिनोवेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसी वजह से वो चीज़ें लेने के लिए जानी है हमें, वो मतलब देखने लिए जाना है गया, जैसे कि प्लाई और मायका, ये सब कुछ देखने के लिए जाना है। तो चलिए जाते हैं, मतलब वहां पर जाके दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या देखने वाले हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम लोग डिसाइड करके रखा था हम लोगों ने कि यार हमें ये बनवाना है, ऊपर का सब कुछ करना है, बट सडनली वो दिवाली आ गई, उसके बाद फिर भाई की शादी हो गई, और फिर हम लोगों ने सामान नहीं लाया था ऊपर का कुछ भी, तो इसी वजह से अभी वो रह गया था सारा। बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर हम लोगों ने जब सोचा कि यार हाँ करते हैं, तो अभी ये जो दोबारा का लॉकडाउन है वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद सारे शॉप बंद हो गए थे, फिर जो मटेरियल है वो भी मिल नहीं रहा था, और जो मतलब जो आते हैं भैया उन्होंने भी काम लेके रखा था, तो इसी वजह से उनको ही मटेरियल नहीं मिल रहा था जहाँ पर उन्होंने काम लेके रखा था, तो वो बोल रहे थे कि कुछ दिन और रुक जाओ, तो हमें और रुकना पड़ा। फिर अभी फाइनली भैया वो आए थे, मतलब परसों या नरसों वो आए थे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि चलो इतना इतना अमाउंट लगेगा, और इतना इतना मतलब वो मतलब इतनी इतनी शीट लगेगी या इतने इतना ये सारी चीज़ें, हम लोगों ने जैसे डिज़ाइन दी उन्हें, मतलब मैंने डिज़ाइन दी उस दिन, और उन्होंने फिर बताया कि इतनी इतनी शीटें लगेगी, इतने इतना ये लगेगा, तो फिर क्वांटिटी निकाली, और उसके बाद अभी उन्होंने वो मतलब वो लिख के दे दिया है हमें, और हमें जाना है वहाँ पर। तो निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है यार बाहर, और वहां पर इतनी छोटी छोटी गलियां है ना, तो कार भी लेके जा नहीं सकते हैं, बट अभी देखते हैं। कार घेची का ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यार वहां पे। आपने तो मेरे जैसे सेम पहना ब्लू, तो पार्किंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, धूप बहुत है यार बाहर, इसी वजह से ना मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं निकलते, आप नहीं आने वाले हो, जल्दी से हम लोग जाके लेके आते हैं। सब 18 है सर, 18 इससे और भी इसमें रेट में कम नहीं आता है, इससे कम आ रहा है उसके कोई ये तो नहीं ना, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं है सर, डेंसिटी कम रहता है, बैंड नहीं होगा ना, डेंसिटी कम रहता है, आपका यूज कैसे है उस हिसाब से, अगर हम उसको वर्टिकली ज़्यादा देर लगाओगे तो बैंड हो सकता है। अच्छा, और फिर कौन सा अच्छी क्वालिटी का है? सारे हैं, ये बेड के लिए और इसके लिए बेटर रहेगा ना, वार्डरोब के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? ये वाला, ये कॉस्ट क्या करता है? 78 रुपीस, रेट फाइनल क्वांटिटी देख के है ना, 18-25 से। हाँ भैया, बेड एंड वार्डरोब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना इसमें? उनकी शॉप में सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, ये गोडाउन है उनका छोटा सा, तो यहाँ पर आए थे, वो अंदर वाला जो मायका नहीं रहता है वाइट कलर का, जो अंदर लगाते हैं मतलब वार्डरोब के अंदर या कुछ ऐसे, आप देख सकते हो ये, तो इस तरह का मायका लेने आए थे, तो ये कौन सी एमएम का लेना है, क्या लेना है, तो वो सिलेक्ट करने आए थे हम लोग यहाँ पे, तो ये भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए फिर से शॉप के लिए, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना था बाहर का मायका, मतलब जैसे कि अंदर का मायका तो सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, और प्लाई भी सिलेक्ट हो गया था, प्लाई भी हम लोगों ने प्लाई के भी पेमेंट कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने आए थे मायका, तो क्योंकि अंदर बच्चों के रूम में अलग मायका लगेगा थोड़ा सा कलरफुल वाला,
और हमारे रूम में, मतलब हमारे मीन्स मेरे रूम में जो मेरी बाकी स्टूडियो रूम होने वाली है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आज मैंने सारा रिवील कर दिया आपके सामने, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये जो है वो मायका हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर बच्चों के रूम के लिए पहले सिलेक्ट कर रहे थे, 3D मायका देख रहे थे, थोड़ा सा कलरफुल वाला, तो ये हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट दूसरे कैटलॉग में हमें एक पसंद आया था, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन सा पसंद आया है। इस टाइप में उन्होंने दिखाया था हमें कि इस टाइप में अगर आप लगाओगे तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, तो इसीलिए। तो ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा अगर कलरफुल होगा तो बच्चों को ऐसा मन लगेगा बच्चों का। तो हमें ना ब्लू में भी चाहिए था और पिंक में भी चाहिए था। कैसा है कि ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन चाहिए था हमें, तो क्योंकि अद्विक और माही की रूम एक ही होने वाली है दोनों बच्चों की, तो पिंक में भी चाहिए और ब्लू में भी चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर पिंक और ब्लू का देखा। तो वो बाद में मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन सा देखा है, और उसके बाद मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मेरे रूम के लिए कौन सा देखा। तो ये देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ये, मतलब हम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, बट जब जाएंगे ना दोबारा से तब फाइनल होगा सब कुछ। तो उस टाइम मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या फाइनल होने वाला है, और मतलब मायका ही रह गया है सिर्फ, बाकी तो सब कुछ हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिखाया है मैंने माही और अद्विक के रूम के लिए। इसमें ब्लू टोन भी है और पिंक टोन भी है, और बाकी मतलब पत्ते पत्ते की डिज़ाइन है। तो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डालेंगे वाइट का, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इसी वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है, मतलब सिलेक्ट तो अभी किया है, उसके बाद अगर वो कैटलॉग दिखाते हैं अच्छे अच्छे तो उसके बाद हो सकता है कि हम लोग वो कैंसिल कर दें, बट अभी के लिए तो वो फाइनल है हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी उन्होंने दिखाया थोड़ा सा वुडन वाला, तो ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे पहले ही दिख गया था, तो मैंने वही फाइनल कर दिया। फिर मुझे वही पसंद आ गया था। कैसा है, एक नज़र में जो पसंद आता है ना वही, उसी पे नज़र टिक जाती है, फिर बाद में दूसरा देखने का मन ही नहीं करता। फिर मैंने दूसरे देखे भी नहीं, ये उन्होंने दिखाए, इनका मन कर रहा था कि और देखो और देखो, क्योंकि और देखने से फिर आपको और ज़्यादा अच्छा दिख गया था और आपको पसंद आएगा तो आप ले सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मेरे एक नज़र में जो पसंद आ गया ना, तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं वही ठीक है, मैं वही लगा देंगे। तो ये जो है वो सेम थोड़ा सा उस टाइप का कॉम्बिनेशन था, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था उस टाइप में ही था पहले वाला। तो उस टाइप में देखूंगी मैं, अगर मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंट पसंद आया उसी में तो मैं कलर ले लूँगी, अदरवाइज़ तो वो मेरा फाइनल है, क्योंकि वो मुझे देखते ही इतना ज़्यादा पसंद आ गया है। और आप देख सकते हो, थोड़ा सा अगर पास से देखोगे ना तब जाके इसकी एग्जैक्ट डिज़ाइन आपको पता चलेगी। अंदर से जो शाइन है ना इसके अंदर, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये नंबर है इसका, और मतलब मैं भूल गई, तो इसी वजह से मैंने ये कैप्चर कर लिया था, क्योंकि अगर मैं भूल गई ये कौन सा नंबर था तो मैं इसमें दिखा सकती हूँ, मतलब वीडियो में देख सकती हूँ, सॉरी। और ये किचन के थे पल्ले, जो हम लोग किचन के लिए नहीं यूज़ करते, ग्लॉसी वाले थोड़े से, तो वो थे। तो हमारा तो किचन ऑलरेडी बन चुका है, तो इसी वजह से हम लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा एंटीक पीस रखे हुए थे, और मेरा मन इतना उसके अंदर टिका हुआ था कि यार क्या बताऊँ आपको, मुझे ना लेना ही था उसमें से कुछ। बट महंगे तो थे ही, बट मैंने सोचा चलो अभी लेने से अच्छा है कि जब मेरा पूरा रूम बन जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगी और फिर मैं इसे लूँगी, जो भी मुझे यहाँ से लेना है। देखो कैसा है, अभी रिनोवेशन चल रहा है, मतलब फर्नीचर होगा, उसके बाद फिर हमें जैसे चाहिए जहाँ पर जो चीज़ लगेगी वो सेट करना है, तो फिर उसके बाद हम लोगों को अगर लेना है तो उस टाइम लेना बेटर रहेगा। अभी इसे लेके रख देंगे तो वहाँ अगर हो सकता है जगह ना रहे उसको रखने के लिए, तो ऐसे करके फिर वो बाद में लूँगी मैं। और यहाँ पर वो किचन देख रहे थे, हमारा तो किचन बन चुका है, बट फिर भी थोड़ी सी आइडिया ले रहे थे कि किचन किस तरह से बनता है अभी। ये तो हमारा दो तीन साल नहीं चार साल सॉरी तीन साल क्या चार साल पहले का है, तो इसे हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा देख रहे थे वो। और ये जो वॉल पीसेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, और ये बेड का मतलब बेड के बोल रही हूँ, कोई भी किसी भी चीज़ में आप पट्टी लगा सकते हो, ऐसे कॉर्नर में या किसी भी चीज़ में बीच में लगा सकते हो, कोई फर्नीचर बना रहे हो वार्डरोब में बीच में लगा सकते हो, वार्डरोब में साइड में लगा सकते हो, तो इसी वजह से वो पट्टियाँ भी मैंने देखी, वो मैं आइडिया है मेरे दिमाग में थोड़ा सा, तो वो भी मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी लस्सी वगैरह पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी यार, ऊपर से हम लोग टू व्हीलर पर गए थे। Thank you.
छोटा लो और ये एक ये लो। तो एक छोटा लो, ये एक बड़ा लो और एक छोटा लो। अच्छी क्वालिटी का दो, वो वाला ले लो ना, बाजू वाला। ये छोटा, ये बड़ा कितने का? छोटा कितने का? ये नहीं, ये अलग है। ये देखो बड़ा कितने का है? वो बड़ा 150 रुपए का, उसमें छोटा 25। नहीं, मैं चाय पी रही हूँ। ये पापा के लिए भी चाय लाया है, और ये सामान लाया है, मतलब लेके आया वो। यहाँ पर जो जो चीज़ें लगेगी वो लेके आया है, मतलब जो हमने ली है आज। और यहाँ पर ये आईब्रो टेप, और ये क्या क्या है, ये क्या है इसमें? ये चैनल है। अच्छा, ये चैनल है, और इसमें जो चीज़ें है वो है। और हाँ, फेविकॉल उन्होंने गलत भेज दिया था, तो फेविकॉल इन्होंने वापस दे दिया है। है क्या? पहले हाँ, ये है ओरिजिनल में। हाँ, ये उसमें डब्बा डाला था, ये डालना चाहिए था। अच्छा अच्छा, बोला ये है, देखो अपने बिल पे यही लिखा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसने वो डाला था। अच्छा, तो फिर वापस देना है कि ये कल लेके जाएगा। हाँ, और ये अंदर लगाने वाला मायका है। हाँ, ये देके जाएगा, और जो मायका बच्चा अपना बाकी का वो भी ला के देगा। तो मायका मतलब मायका बचा है या प्लाई बचा है? कौन सा? ये प्लाई इतने लाया हो गए अपने पूरे। अच्छा, और ये तो भूत हो गया ना, देखना। प्लाई हो गए, अभी सिर्फ मायका बचा है। मायका कौन सा? वो अंदर वाला ना, अंदर वाला, वाइट। हाँ हाँ, तो वो जो ऊपर वाला मायका है वो बाद में लेके आएंगे, क्योंकि उसे टाइम है अभी, तो इसी वजह से घर पे जगह भी नहीं रहेगी ना। तो तीन टाइप के है ना ये डोर के लिए अलग। हाँ, 18 mm, 25 mm और 12 mm। अच्छा अच्छा, तो जो बेड है उसके लिए अलग, और वार्डरोब के लिए अलग। ये सारी चीज़ें है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग है 1 mm। और ये सारी चीज़ें अभी रख रहे हैं ये, और वो मायका भी लाना है। मायका भी कल जो सामान बाकी है वो भेजेंगे, और बाकी का बाद में होगा। जैसे कि मायका बचा है, तो जो ऊपर वाला मायका है वो बाद में लेके आएंगे। यहाँ पर पूरा किचन का सामान निकाल दिया है, पूरा किचन का मतलब यहाँ का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सामान था पूरा भरा हुआ था, और कितने दिनों से क्लीन ही नहीं हो रहा था ये। तो आज फाइनली ये सारी चीज़ें निकाल दी यहाँ पे, अभी क्लीन करके रख देती हूँ। मेरे पहले जैसा वो जो ड्राई फ्रूट के बर्निया वगैरह है वो वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा मेसी। और आजकल ना मैं ये पतंजलि वाली साबुन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो सफ़ेद वाले दाग नहीं रहते, वो नहीं आते हैं इसी वजह से। और बस ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, ये सारे मेरे ये वेट लॉस वाले अग्निमंथा टैबलेट है, फिर ये बायोटिन है ओजीवा का, और ये मेरा रेगुलर लेने वाला एप्पल साइडर विनेगर है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब वहाँ पर ही थी, आ गई थी, मतलब जो मैं डेली लेती हूँ वो वहाँ पर ही थी, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। और ये बच्चों का मल्टीविटामिन जिंगा विटा का, तो ये सारी चीज़ें, और ये टोनर भी कभी कभी मैं यहाँ पर ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहीं पर थी। अभी ये अच्छे से रख देती हूँ एक टोकरी में, और वहाँ पर जो पहले था वहाँ का तो वो रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें निकाल ली है ना, तो टाइम नहीं था खाना बनाने के लिए, तो इसी वजह से ये खिचड़ी लगा दी मैंने यहाँ पे। और आज कुछ भी ऐसे मतलब पुलाव उलाव नहीं बना रही हूँ, सिंपल सी खिचड़ी बना ली हूँ, प्लेन वाली बना ली हूँ। तो बना रही हूँ प्लेन वाली खिचड़ी। तो यार बिल्कुल ऐसे अभी तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि बीच में वो पापड़ा नहीं बोलता, पापड़ा इससे पहले लॉकडाउन में बहुत खाया हमने, और अभी घर पे गए थे ना, तो अभी भैया ने और दे दिया है कितना सारा पापड़ा बना के, मतलब बनाने के लिए दे दिया था किसी के पास, बना के नहीं, बनाने के लिए दे दिया था, तो वहां से लेके आए और हमारे साथ दे दिया। तो इतना सारा पापड़ा दे दिया है, तो अभी नाश्ते में वही चलेगा। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने वो खाया ना, तो भूख नहीं थी कुछ भी, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट खाने के लिए खिचड़ी बनाई थी प्लेन वाली। उसके बाद अभी वो सारा कुछ क्लीन करने वाली हूँ, वो रख दिया है, तो चलो वो करते हैं। और यार मैं ये भूल जाती हूँ, दूध देखो, दूध ना सुबह से जब से गर्म किया है ना, तब से फ्रिज में नहीं रखा है। अभी ये फट गया होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है, मैं गर्म करके देखती हूँ, फट गया होगा तो यार चला गया क्या दूध, देखती हूँ यार गर्म करके। मेरा ध्यान ही नहीं रह रहा है आजकल, पता नहीं कहाँ ध्यान। चलो फिर बाद में बात करती हूँ आपसे।
गॉड, दूध फटा नहीं यार। अभी मैंने गैस पे रख दिया है ये गर्म करने के लिए, बच्चे अभी ले लेंगे ये। मैं कैसे भूल गई पता नहीं फ्रिज में रखना सुबह से। तो गाइस सारे काम हो चुके हैं और अब जाके फ्री हुई हो, तो बस अभी खाना ही खाना रह गया है, तो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा चलो मैं अभी आपसे बात कर लेती हूँ, बस खाना खाएंगे और उसके बाद सोने का ही काम है। मुझे एडिट करना है एक वीडियो, वो एडिट करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो चले फिर, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन ग्रे करोगे उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। नहीं तो आपकी कंप्लेंट होती है कि दी हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते हैं ब्लॉग के, तो इसी की वजह से होता है। आप सब्सक्राइब तो कर देते हो बट बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे ऑल पे क्लिक नहीं करते हो, इसी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना जरूरी होता है, वो दबाइएगा, उसके बाद ही आपको मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, इसके साथ मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।